जी मीडिया के खास शो और डायलॉग विद जेसी में इस हफ्ते मेहमान होंगे केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि। उन्होंने साफ कहा कि जब तक शांति नहीं होगी निवेश नहीं आएगा, विकास नहीं होगा, लिहाजा उनका विभाग देश के हर कोने में शांति के प्रयास कर रहा है। बेसिकली होम डिपार्टमेंट का काम भी यही है कि मतलब इंटरनल सिक्योरिटी रहे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी अगर ठीक होगी तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। शांति होगी तभी निवेश होगा, विकास होगा, ये कहना है केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि का। जी मीडिया के स्पेशल शो अ डायलॉग विद जेसी में जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद से खास बातचीत में महर्षि ने कहा कि गृह मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि देश के हर कोने में शांति कायम हो सके। उन्होंने पूर्वोत्तर में माहौल पहले से शांत होने की बात कही और नक्सलियों को उगाही करने वाला रैकेट करार दिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो एरियाज ऑफ डिस्टर्बेंस है वहाँ पर जितनी शांति हो सके। अब नॉर्थ ईस्ट आजकल रिलेटिवली शांत है, केवल हमारी वजह से नहीं है, बहुत सारे इसके ऐतिहासिक कारण हैं। वहाँ एक शांति के जो प्रयास किए गए हैं उनको कंटिन्यू किया गया। माओइज्म एरिया के अंदर भी जो प्रयास चालू थे कि माओइस को कंटेन करने के, क्योंकि माओइज्म तो क्या है, वो एक्चुअली एक्सट्रॉशन का रैकेट है, तो उसको समाप्त करने का एक प्रयास जारी है। कश्मीर के हालात पर उन्होंने साफ कहा कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी बताई और दिखाई जा रही है। उन्होंने सीएम महबूबा मुफ्ती की बात को दोहराया कि केवल 5% लोग ही वहाँ हालात खराब करने में लगे हैं। गृह सचिव के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के केवल 2.5-3 जिलों में ही मुश्किल है जिसे काबू में करने की कोशिश हो रही है। प्रॉब्लम बेसिकली साउथ कश्मीर का है, 2.5 जिला 3 जिला जो भी कहें, 2 जिला बेसिकली साउथ कश्मीर में ज़्यादा इस वक्त अनरेस्ट है। और वो लेकिन फिर भी अपन एक प्रजातंत्र हैं, अगर 2 या 3 जिले छोड़िए 2 या 3 तहसील भी हों और अनरेस्ट हो तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको ठीक करने का प्रयास तो खैर सरकार का रहता है। तो हमारा भी प्रयास ये है कि रहे और ये चीज़ इस तरह इसी वक्त कंट्रोल कर ली जाए ताकि इसका कोई मतलब और दूसरा प्रभाव या इसका कोई दूसरा इम्पैक्ट नहीं हो। गृह सचिव राजीव महर्षि आने वाले दिनों को लेकर काफी आशावान नजर आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर का भविष्य यानी वहाँ के बच्चे बेहद होनहार हैं। इस डिस्टर्बेंस के बावजूद आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में उनका जो सिलेक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत ही होनहार और ब्राइट बच्चे हैं। और दूसरी जो बात है कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। राजीव महर्षि ने इस बातचीत में अपनी किताब इंडिया 2017 का भी जिक्र किया और कहा ये किताब बहुत से लोगों की मेहनत का नतीजा है। मेरी धर्मपत्नी हैं, वो भी आईएएस अधिकारी थे, रही हैं, उन्होंने बहुत मदद करी। मेरे पुत्र ने बहुत मदद करी, वो नेशनल स्कूल से लॉयर हैं, तो उन्होंने बहुत मदद करी। हमारी एक क्लासमेट हैं, उन्होंने प्रेरणा दी इसके लिए। सो बहुत लोगों की मदद से और सपोर्ट से एक इसके लिए पूरा रिसर्च ग्रुप था, तो उसमें भी रिसर्च कराई गई। इस प्रकार से 1.5-1.5 साल 1.5-2 साल में किताब लिखी गई।